हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है। दोस्तों, यहाँ पर आज की रीडिंग है कि ईश्वर आपको अपने जीवन के लिए क्या उद्देश्य दिए हैं, यानी आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और इस धरती पर आप किस उद्देश्य के पर्पस से आए हैं, आपका कौन सा उद्देश्य है जो आपको ऊपर से लिखा कर आए हैं। ईश्वर ने आपको किस उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस यूनिवर्स में आपको भेजा है। यहाँ पर आज की रीडिंग इसी पर आधारित है कि आप लोगों का क्या जीवन पर्पज है, जीवन का उद्देश्य क्या है यहाँ पे। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप इसी तरह आप अच्छे और अपना वृद्धि और विकास करते रहिए। गाइज, यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हैं, यहाँ पे देखिए ग्रीन रंग का स्टोन रखा है और एक वाइट रंग का स्टोन रखा है। जो भी आप दिल से चुनेंगे हम रीडिंग शुरू करेंगे। देखते हैं आपके रीडिंग में, यहाँ पे टैरो विथ ओरिकल कार्ड से आपकी रीडिंग होने वाली है दोस्तों, कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए जीवन का क्या पर्पस निकल कर आता है। गाइड मी यूनिवर्स, यहाँ पे देखते हैं क्या निकल कर आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सेवन ऑफ रॉड्स, यहाँ पे निकल कर आया जजमेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो पर्पस आपके लिए बना है, ईश्वर ने बनाया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन बनाया गया है, बहुत ही मेहनती पर्सन आपको बनाया गया है। आप हो सकता है कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी आप अपने मेहनत से, ईश्वर ने इसलिए आपको बनाया है कि आप मेहनत करके ढेर सारा पैसा कमाएं, ढेर सारा आपका धन दौलत बढ़े और आपकी नई नई योजनाएं, नई नई कंपनी बने, ताकि आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहें, सफल रहें। इस उद्देश्य से आपको भेजा गया है इस धरती पर। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है दोस्तों कि एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके जीवन में किसी नई चीज की शुरुआत होने वाली है। ये शुरुआत हो सकती है कि आपको पैसे से लेकर हो, आर्थिक स्थिति आपकी बलवान हो, हो सकता है आपके लिए नई जॉब का ऑफर आए, हो सकता है कंपनी में आप बहुत बड़े पोस्ट पर जाएं, यानी जो भी पद पे आप हैं उससे ऊंचे पद पर चले जाएं, उससे आप बड़े पद पर चले जाएं। इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी मालूम पड़ रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है। और आपको ईश्वर के द्वारा बहुत ही ब्लेसिंग मिल रही है, ईश्वर के द्वारा बहुत आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे या आपके साथ कोई भी ऐसी ना इंसाफी हुई है जिसके कारण आप बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ में थे, तो आपको जजमेंट मिलने वाला है, इंसाफ मिलने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई भी केस, कोर्ट कचहरी चल रहा था, केस चल रहा था, उसमें आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी आपको इंसाफ मिलने वाला है। आप उसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुख में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, आप बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ में है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है। और आपका उद्देश्य ये है कि मेरे को जीवन में ढेर सारा पैसा कमाना है, ढेर सारी योजनाएं बनाकर उसको क्रियान्वित करना है, करना है, मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस होना है। इसी पर्पज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और इस पर्पज में आप बहुत बहुत ज्यादा सफल भी हो रहे हैं। इस कार्डो को भी देख के लग रहा है बहुत ही ईमानदार, हार्ड वर्किंग, बहुत ही सच्चे इंसान है। आप जजमेंट, आपको गलत बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान है, आप साफ दिल के, आपको कभी भी किसी भी गलती का आप साथ नहीं देते हैं, किसी भी गलत चीजों का आप साथ नहीं देते हैं यहाँ पर, हमेशा आप सही का साथ देते हैं, सही के साथ रहते हैं और सही के साथ चलते हैं। अगर आपको कोई गलत करने के लिए भी उकसाता है
तो भी वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी आपके साथ जो जैसा करता है आप वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ अच्छा करेगा तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन में आप बहुत ही इमोशनल हैं यहाँ पर, या बहुत ज्यादा इमोशनल हैं यहाँ पे। ईश्वर आपको बहुत ही इमोशनल पर्सन भी बनाकर भेजे हैं। आप दूसरे के दुख को देखकर बहुत ज्यादा जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। आप बहुत काल्पनिक भी पर्सन है, आप कल्पनाओं को बना लेते हैं यहाँ पर, ये बताया जा रहा है इस कार्ड से। इसका उद्देश्य यानी आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। चंद्रमा का कारक मन होता है, और जब मन आपका नियंत्रित रहता है तो आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, और मन चंचल हो जाता है बहुत ही आप इमोशनल पर्सन है। यही उद्देश्य भी है आपका जीवन का, यानी आप जब दुखी होते हैं तो दिल से दुखी हो जाते हैं, खुश रहते हैं तो आप दिल से खुशी रहते हैं। आप किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो यानी जीवन में आपके पैसा जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, या पैसे से संबंधित कोई भी आपको परेशानी थी, तकलीफ थी, तो उसको दूर करने का आपका उद्देश्य बनाया कि मैं एक दिन बहुत रिच पर्सन बनूंगा, एक दिन बहुत ही धनी मनी व्यक्ति बनूंगा, और मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूं, मुझे सक्सेस और सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यही आपके जीवन का उद्देश्य है, और आप हमेशा सच का साथ देते हैं, इसलिए ईश्वर भी आपको हमेशा ही साथ देता है। इसलिए आपको ईश्वर हमेशा ही आपका आपको ब्लेसिंग देता है, और बोलते हैं कि सच्चे इंसान का कभी बुरा नहीं होना चाहिए, तो आपका हमेशा ही अच्छा होगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा गॉड का, ईश्वर का। ऐसे आप पर्सन है, और जीवन का उद्देश्य है कि आप मेन उद्देश्य क्या है, आपको ढेर सारा पैसा करना, ढेर सारा हार्ड वर्क करना, और आप इमोशनल पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है, तो आप क्रिएटिव क्षेत्र में भी बहुत ही ज्यादा सफल और सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है। न्यू विजन, आप किसी भी चीज को दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, विजन, आप हर काम को करते हैं ना तो बहुत बहुत ज्यादा आप सोच समझ कर करते हैं, न्यू विजन रखते हैं, यानी नई दृष्टि रखते हैं। किसी भी काम को करने जाते हैं तो उसको आप एकदम सोच समझ कर, एकदम निशाना साध कर करते हैं। यह जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में आप काम नहीं करते हैं, ऐसे आपका उद्देश्य है। जो भी करो सच्चे मन से करो, अच्छा करो, तभी सक्सेस और सफल रहोगे। द मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, तो आप बहुत जैसे आपको ये रहता है कि मैं कितना पैसा जमा कर लूं, मैं कितना पैसा अपने पास रख लूं, यानी आपने ऐसी विषम परिस्थितियां देखी हैं, इतनी खराब परिस्थितियां आप देखी हैं दोस्तों, जिसके कारण आपने बहुत ढेर सारा पैसा कमाने का सोचा, हार्ड वर्क करने का सोचा, और साथ ही साथ आप उस हार्ड वर्क में कामयाब रहे, और आपके जीवन में ढेर सारा पैसा है, ढेर सारा आपके जीवन में सक्सेस है, सफलता है, और अबंडेंस है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी उद्देश्य मिला है, आप अपने आप को तुलना किसी से मत करिए, कॉम्प्रोमाइज किसी से भी मत करिए, बल्कि आप एक विशिष्ट इंसान है, आप एक अलग इंसान है, आप उसमें रहने की कोशिश करिए। किसी दूसरे के लिए अपने आप को बदलिए मत, हमेशा अपने दिल की सुनिए, अपने दिल वाली करिए। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप बहुत ही हंसमुख पर्सन है, बहुत ही आप दुख में नहीं रहते हैं, अपने दुखों को बल्कि दबा लेते हैं, दूसरों से बताते नहीं हैं, और अपने अंदर जो है घुट घुट कर आप अपने अंदर सह लेते हैं, लेकिन अपना दुख किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अपना सुख जो है वो आप सबसे बांटते हैं। ये आपका आपके जीवन का उद्देश्य है, पर्पज है, कि आप हंसते हुए को हंसाते हैं, और आप अपने दिल की बात जो है, कठिनाइयां किसी के सामने जाहिर नहीं करते हैं दोस्तों। आपका विजन भी बहुत, आपकी दृष्टि जो है बहुत न्यू है, बहुत ही नई है। आप कंप्रोमाइज करने को यहाँ नहीं बोला जा रहा है, बल्कि आप एक विशिष्ट हैं, आप एक ईश्वर ने आपको विशिष्ट कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है, जिसके कारण आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है, जिसके कारण बहुत बहुत ज्यादा इस समय आप सक्सेस और सफल हैं, और आप आगे भी सफल रहेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान को ईश्वर बहुत ही कम बनाता है, और ऐसे उद्देश्य के लिए बहुत कम लोगों को च्वाइस करता है। अपने आप कार्ड निकल के, अगर कोई आपको ऐसी भी परेशानी चल रही है जिससे आपको
मन परेशान है या मानसिक रूप से आपको तकलीफें हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है वन ईयर इज नाउ, यानी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वन ईयर में खत्म हो जाएंगी। जीवन के पर्पज को आप एक साल दीजिए, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस और सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं और क्या कार्ड निकल के आ रहा है। यस, आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपका उद्देश्य मिला है ईश्वर के तरफ से, गॉड के तरफ से, उस पर पूरा पूरा ध्यान रखिए। पूरा पूरा आप अगर अपना मेहनत लगाते हैं, हार्ड वर्क लगाते हैं, तो पूरा वर्ल्ड आपके हाथ में होगा, यानी आप बहुत ही सक्सेस और सफल और नेम फेम आपको मिलने वाला है। आप अपने उद्देश्य पर ध्यान देते हैं तो अगर ये आपसे रेजोनेट कर पाया है या आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑप्शन, हाय एवरीवन, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था उनके लिए देखते हैं लाइफ पर्पस क्या निकल के आ रहा है, कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ रॉड्स, फोर ऑफ रॉड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके नंबर जो आए हैं दोस्तों, नाइन नंबर आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आपके जीवन में नाइन नंबर बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पे आपके जीवन का पर्पज ये है कि आप खुद को भी हील करेंगे और दूसरों को भी हील करेंगे। यहाँ पर आपका लाइफ पर्पज ये है, आप अपने को भी दुखों से ऊपर निकालेंगे और कोई अगर दुख में है, पीड़ा में है, असहनीय पीड़ा में है, तो उसको भी आप हील करने का क्षमता रखते हैं। आप पीस बनाने का क्षमता रखते हैं, शांति बनाने का काम करते हैं। अगर कोई आप में वो शक्ति है, जो कोई बहुत परेशान है, तकलीफ में है, तो आप उसको एकदम हील करके एकदम सामान्य बना देंगे, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये पावर सब में नहीं ईश्वर ने दिया है, आपके जीवन का उद्देश्य ही है कि दुखों को दूर करना, पीड़ाओं को दूर करना, दूसरों की मदद करना। अगर किसी में भी अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहा है, या तो किसी भी चीज को लेकर दुविधा में है, परेशानियों में है, तो आपका लाइफ पर्पस है कि दूसरों को आप उसमें रुकावट करेंगे, यानी जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, दुखों को दूर करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े को रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये दिया गया है आपके लाइफ का पर्पस, और लाइफ का पर्पस ये है कि आप बहुत बहुत मैच्योर पर्सन है। आपने जिस चीज को मैनिफेस्ट किया है ईश्वर आपको जरूर देगा वो, क्योंकि आपने ये सोचा है कि मुझे समाज सुधारक का काम करूंगा, या तो लाइट वर्कर का काम करूंगा। बखूबी आपके लिए लाइट वर्कर का यहाँ पे काम नजर आ रहा है, क्योंकि आप हील करने वाले हैं, आप लड़ाई झगड़े को शांत करने वाले हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ईश्वर से मांग रहे हैं, पर आपके लिए ये निकल कर आया है दोस्तों कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, वो आपको जरूर मिलने वाला है। आपके जीवन का जो पर्पज है कि आप दूसरों की इच्छाएं पूरी करें, दूसरों की मैनिफेस्ट को पूरा करने की कोशिश करें, तभी तो आप जाके एक लाइट वर्कर बन सकते हैं, आप एक सुधार समाज सुधारक बन सकते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, आप अपने जीवन में भी पीस लाते हैं और दूसरों के जीवन में भी शांति लाते हैं। यानी हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, या लाइट वर्कर हैं, या तो ऐसे इंसान हैं, ज्ञानी इंसान हैं, जो कि लोगों को हील करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, सही निर्णय के लिए आप उकसाते हैं और आप उनको सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। इतनी प्यारी रीडिंग निकल कर आई दोस्तों यहाँ पर, यानी आप में वो जीवन का उद्देश्य है जो बहुत कम लोगों को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आप जो भी दिल से इच्छा मांगेंगे वो ईश्वर आपकी जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आप अंदर से बहुत ही सच्चे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट इंसान हैं, और आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी जरूर से जरूर हेल्प करेगा, मदद करेगा, और इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाले हैं। अपने आपको नेम फेम और भौतिक सुख और पेंटिकल्स का सुख तो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है यहाँ पर,
और आपके जीवन में 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट करेगा। आप कहीं ना कहीं देख लीजिए 9 नंबर आपको बार बार एंजल नंबर की तरह दिखता होगा या मोबाइल पे दिखता होगा। 9 नंबर भी जो होता है भौतिक सुखों का होता है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ आपको भौतिक सुख वाकई ये 9 नंबर जरूर देगा। यहाँ 6 नंबर भी आया है जो ये भी दर्शाता है कि आपको बहुत जीवन में अबंडेंस मिलने वाला है, सुख समृद्धि मिलने वाला है। आपके जीवन का पर्पस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नेक है, जिसके कारण आप एक दिन आगे चल के इन फ्यूचर में आप बहुत ही अबंडेंस वाले बनेंगे, बहुत ही हैप्पीनेस आपके पास रहेगा, बहुत ही अच्छा गाड़ी बंगला घर, और साथ ही साथ आप दूसरों को भी बहुत हील करेंगे, उनका उपचार करेंगे। हो सकता है कोई ऐसे डॉक्टर हों, ऐसे समाज सुधारक हों, कोई ऐसे पर्सन हों बड़े पोस्ट पर जो कि, या धर्म गुरु भी यहाँ पे बोला जा सकता है कि धर्म गुरु आप हो सकते हैं, जो कि सबको बहुत ही प्यारा रास्ता दिखाएंगे, सही राह दिखाएंगे, और उस पर आप चलने के लिए लोग मजबूर होंगे, और यही आपके जीवन का पर्पस भी है। आप बहुत बड़े एक लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, और बहुत अबंडन से भी भरे रहेंगे। हर क्षेत्र में आपकी फैमिली आपकी साथ देगी, जिससे कि आप और भी अधिक सक्सेस और सफल बनते रहेंगे। देखते हैं और क्या आपके जीवन का पर्पस निकल कर आता है दोस्तों। लवर्स का कार्ड आया, यहाँ पे मैंने बोला कि आपके फैमिली आपको बहुत साथ देगी। वाकई आपकी फैमिली आपको बहुत ही प्यार करती है और हर एक परिस्थितियों में आपको साथ देगी। आपका हर मोड़ पर, हर सिचुएशन में आपका परिवार, आपके पेरेंट्स साथ देंगे और आप बहुत ही सक्सेस और सफल होंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आ गया, तो आपको यिंग और यांग का चित्र आया, यानी आप सबके बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। यानी आप दुनिया में बोलते ना प्यार ही प्यार फैलाएंगे, स्नेह ही फैलाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं फैलाएंगे। यहाँ पे लड़ाई झगड़े को आप खत्म करने के उद्देश्य से आए हैं, और वाकई आप लोगों के जीवन में, अपने जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी आप प्यार फैलाएंगे, स्नेह फैलाएंगे, सद्भावना फैलाएंगे। और इस कार्ड से तो ये पता चलता है कि आप वाकई बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट और बहुत ही इनोसेंट पर्सन हैं, जो कि लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, और आप वाकई लोगों में जो बोलते हैं ना सद्भावना प्यार स्नेह आप फैलाने के उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नेम फेम और बहुत ही सक्सेस भी मिलने वाला। कोई ऑलरेडी भी सक्सेस हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल्स का कार्ड आया, तो आप इतने स्वीट हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, जिसके कारण आपके पीठ पीछे जो है बैक बैटिंग हो सकती है, गॉसिप हो सकती है, आपकी लोग बुराई कर सकते हैं कि आप इतने अच्छे क्यों हैं। आपकी बुराई नहीं करेंगे, आपकी अच्छाई को लेकर ही लोग कितना बुराई करेंगे कि आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं, इतने इनोसेंट कैसे हैं, इतने अच्छे क्यों हैं। इन सब बातों को लेकर ढेर सारी पॉलिटिक्स होगी, और आपके पीठ पीछे बहुत ही आपके शत्रु भी बनेंगे दोस्तों, इस कार्ड से ये पता चला है। तो इससे थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए, और ऐसे लोगों से थोड़ा आप दूर हो जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पे फ्रेंडलेस, यानी आपके जीवन में आप लोगों में वाकई प्यार, दोस्ती, मित्रता, स्नेह, सद्भावना और सदाचार बढ़ाने के लिए ही आप इस धरती पर, आपका उद्देश्य है और यही आपका कर्म भी है। देखिए दोस्तों, आप इतने प्यारे इंसान हैं, रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने इनोसेंट, इतने प्यारे, इतने स्वीट पर्सन हैं कि आप इस दुनिया में प्यार बढ़ाने के लिए आए हैं, दोस्ती बढ़ाने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ मित्रता को और भी अधिक आगे ले जाने के लिए आए हैं इस धरती पर। आपका जीवन का उद्देश्य है लोगों में प्यार फैलाना, दोस्ती फैलाना, सद्भावना फैलाना, प्यार फैलाना। ऐसी ऐसी शक्तियाँ ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है, जिस जो आपको दिया है। इस गुण को आप बनाए रखिए और इसी तरह लोगों की सेवा करिए, प्यार बढ़ाते रहिए, लोगों को खूब जिंदगी उनको संवारते रहिए दोस्तों, और आप अपनी भी अच्छी लाइफ जिएंगे और दूसरों की भी लाइफ आप बहुत अच्छी करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये बताया जा रहा है।
देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है प्रश्नों का, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं तो आपकी जो शक्तियां हैं, अंदर की शक्तियां हैं, और भी अधिक उभर कर आएंगी, और आप एकाग्र होकर कोई भी प्रश्नों का उत्तर सोचेंगे तो आपको जरूर ईश्वर देगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आप धरती पर इतने नेक काम के लिए आए हैं, इतने अच्छे काम के लिए आए हैं, तो आप थोड़ा सा और मेडिटेट करेंगे तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, और आप बहुत बहुत ज़्यादा एक और भी अधिक परिपक्व और मैच्योर पर्सन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आस्क योर एंजल, यानी आपको कोई ऐसी दुविधा होती है जीवन में जिससे आपका आंसर नहीं मिलता है, जिससे आपका कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, आंसर मांग सकते हैं। एंजल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईश्वर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अंतर आत्मा से भी पूछ सकते हैं, अपने इनर वाइज से भी पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट, और जो इनोसेंट होता है, सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसका ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता है। हर सम हो या विषम परिस्थितियाँ, उसमें ईश्वर, एंजल, गॉड, ईश्वर सब आपका साथ देता है। और यहाँ पे रीडिंग भी बहुत ही अच्छी निकल कर आई दोस्तों, आपके पास जीवन के इतने प्यारे उद्देश्य हैं, उनको निभाते रहिए, थोड़ा एकाग्र हो जाइए, थोड़ा मेडिटेट करिए। अगर थोड़ा दुविधा होता है तो आप ईश्वर से पूछ सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। यही आपके लिए गाइडेंस है, और आपकी रीडिंग बहुत ही प्यारी निकल कर आई।